हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि शब्द पहचान बने मेरी तो बेहतर है, चेहरे का क्या है, वो मेरे साथ ही चला जाएगा एक दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई पहल नई कक्षा के अंदर। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आपको प्रश्नोत्तर रूप में करवाया जाएगा, जो कि नेट की दृष्टि से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एनवीएस की जो परीक्षा होनी है 9-10 सितंबर को, केवीएस और डीएसएस भी आगामी अक्टूबर नवंबर में जो भर्तियाँ आनी है उनके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को आपको लाइक कर देना है अभी और सभी मित्रों को शेयर कर देना अभी, जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है एमपी यूपी जहाँ के भी आपके दोस्त हैं, ताकि सभी की मदद हो सके। और आप ये वीडियो अगर पहली ही बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लाल वाला बटन है, और उसके साथ में घंटे के निशान को भी दबा लेना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें साहित्य इतिहास के करंट के तो उनका नोटिफिकेशन उनकी सूचना आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से आपने आदिकाल भक्तिकाल कई बार पढ़ लिया होगा तो हो सकता है आपको प्रश्न आसान लगे, लेकिन हमने हिंदी साहित्य का इतिहास आपके रिवीजन हो जाएगा प्रश्नोत्तर रूप में। शुरुआत से प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका था? तो आपके परीक्षा में तो विकल्प आएंगे लेकिन यहाँ पर सीधे उत्तर बताए जाएंगे आपको। तो गारसा दैत तासी का था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास। अब हम आगे बात करें दूसरे प्रश्न की कि इन्होंने जो साहित्य इतिहास लिखा था उसका नाम क्या था? तो इनके द्वारा लिखे गए इतिहास का नाम था इस्तवार दे ला लित्रेतुर एंदुई एंदुस्तानी। इस्तवार दे ला लित्रेतुर एंदुई एंदुस्तानी। अब हम बात करें कि गारसा दत्तासी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो कब और किस भाषा में लिखा? तो 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और 1847 में दूसरा भाग, और भाषा थी फ्रेंच। इस ग्रंथ के अंदर हम आगे और बात करें इसकी, तो इसके मूल ग्रंथ में कुल 738 कवि थे, जिनमें हिंदी के केवल थे 72 कवि। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने कौन सा इतिहास लिखा था या किस नाम से लिखा था? तो शिव सिंह सेंगर ने जो लिखा वो था शिव सिंह सरोज, और लिखा था 1883 के अंदर इसका प्रकाशन वर्ष। इसके बारे में जानते हैं शिव सिंह सेंगर के इतिहास के बारे में कुछ, तो इस पुस्तक के अंदर कुल 1003 कवियों लेखकों का जीवन चरित्र मिलता है हमें। और भारतीय किसी भारतीय विद्वान की हम बात करें तो किसी भारतीय विद्वान द्वारा ये हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास था। वैसे तो था गारसा दत्तासी का, लेकिन किसी भारतीय की बात करें तो ये भारतीय का प्रथम प्रयास था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा? ग्रियर्सन ने तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस नाम से ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगर इनके इतिहास के प्रकाशन वर्ष की हम बात करें कि ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो 1888। और ये इनका ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी, उसके विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। और स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक के रूप में 1889 में ये प्रकाशित हुई थी, एक अलग स्वतंत्र रूप में। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया या कितने अध्यायों में विभाजित किया है? तो ग्रियर्सन का जो साहित्य इतिहास है 12 भागों में 12 अध्यायों में विभाजन मिलता है। कौन कौन से हैं 12 अध्याय वो भी देख लेते हैं। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चतुर्थ है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य,
तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध, ये ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास के बारे अध्याय थे। इनके अंदर इसका साहित्य इतिहास विभक्त था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो था उसी को डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। अगला है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना, स्वर्ण काल मानना ही जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं मिश्र बंधुओं की ओर। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास का क्या नाम है? तो मिश्र बंधुओं ने लिखा था, उस इतिहास का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जिसके है चार भाग हैं और लगभग इसके अंदर 5000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। प्रकाशन वर्ष की हम बात करें तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनका प्रकाशन तो हुआ था 1913 के अंदर और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 के अंदर। अब कहीं पूछ लिया जाए कि निम्न में से मिश्र बंधु नहीं है, तीन विकल्प में तीनों भाइयों के नाम आ जाए और चौथे में कोई और हो जाए तो वहाँ पर वो उत्तर होगा। तो जो तीनों भाई थे उनके नाम भी देख लीजिए, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र और राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे, इनको मिश्र बंधु, इन तीनों ने मिलकर इसको लिखा था मिश्र बंधु विनोद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया? तो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने 12 अध्यायों में साहित्य को विभक्त करके सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास किया था। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें और सभी मित्रों को शेयर करना। जब भी आप ये हिंदी साहित्य इतिहास के वीडियो देखें, आप इनको हर जगह फेसबुक व्हाट्सएप पर आपको शेयर ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, और इनका जो साहित्य ग्रंथ था उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? तो शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता ये है कि इन्होंने कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र के स्थान पर, जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया था, ये इनके साहित्य इतिहास की प्रमुख विशेषता रही है। तो शुक्रिया दोस्तों, आज के इस प्रश्नोत्तर रूप में हिंदी साहित्य की प्रथम कक्षा में कुछ विशेष प्रश्न थे। किस तरह की लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना है। इसी तरीके से संपूर्ण साहित्य इतिहास को हम प्रश्नोत्तर रूप में कवर करेंगे।